अज्ञात युवक को दोबारा गोली चलाने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लक्सर के धादे की गांव में बीती 19 तारीख को मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिससे गांव में दहशत फैल गई। गांव की कुछ लोगों ने हिम्मत कर लक्सर पुलिस को मामले की तहरीर दी थी। क्षेत्र में अचानक हुई इस घटना से सनसनी फैल गई थी। आखिर यह लोग कौन थे और कहां से आए थे, इन्होंने गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाने में मात्र 4 दिन लिए। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी राजन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने दिन रात मेहनत कर 4 दिन में ही पूरे मामले को खोल दिया। लक्सर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद सहारनपुर के बाबूपुर नगली गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। उन्होंने इस घटना को स्वीकार कर लिया। दोनों ही युवकों के पास से लक्सर पुलिस ने एक अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। नितिन राठी पुत्र मैनपाल निवासी बाबूपुर नगली जिला सहारनपुर, निशांत उर्फ अंकित पुत्र निर्मल निवासी कुवाखेड़ा लक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला 2 युवकों का नहीं है, इसमें और भी कई युवक शामिल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल लक्सर पुलिस ने 2 युवकों को इस घटना में जेल भेज दिया है। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। ग्राम डाले की में कुछ युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर और शस्त्रों को लहराया गया है और फायरिंग की जो घटना आई है संज्ञान में, उसमें पुलिस ने छानबीन की है और कुछ टीम गठित करके हमारे द्वारा कुछ लड़कों को पहचान भी कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अभी भी इसमें जांच जारी है और जो जैसे जैसे भी लाइमलाइट में आते रहेंगे, इसमें संदिग्ध जितने भी युवा हैं इनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी और उनके विरुद्ध जो भी और विधिक कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। इसमें 2 की आज गिरफ्तारी कर ली गई है।